आप सबको सुप्रभात। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी पूजा का माहौल है, विजयादशमी का माहौल है, दुर्गा पूजा का माहौल है। आज माता के स्वरूप अष्टम स्वरूप महागौरी की हम लोग पूजा करते हैं, आज हम लोग पुष्पांजलि देते हैं। तो गाइस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपका साथी राजेश रोशन आपके लिए शॉर्ट्स वीडियोस लाता हूँ, आपके लिए लॉन्ग वीडियोस लाता हूँ, ब्लॉग लाता हूँ, थोड़े कम लाता हूँ ब्लॉग्स पर लाता हूँ। चूँकि ब्लॉग्स नहीं लाने के पीछे कारण ये है कि ब्लॉग के पीछे मेहनत काफ़ी होती है और समय देना पड़ता है, काफ़ी समय देना पड़ता है। समय तो खैर शॉर्ट्स के लिए भी देना पड़ता है और लॉन्ग वीडियोज़ के लिए भी देना पड़ता है, पर लॉन्ग वीडियोज़ के लिए समय काफ़ी देना पड़ता है और उसमें समय मिल नहीं पाता क्योंकि हमारी ड्यूटी भी रहती है। मैं टाटा मोटर्स जमशेदपुर में काम करता हूँ और इसीलिए मैं थोड़े ब्लॉग कम बना पाता हूँ। खैर आशा है माता आप लोगों को अपनी आपकी जो मनोकामना है उससे आपको पूर्ण करेगी, आपके आपको सदैव निरोग रखेगी। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ आज ये ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ। आज हम लोग पुष्पांजलि देने जाएंगे, हम मैं और मेरी धर्मपत्नी, और आप भगवान आप लोगों को, माता आप लोगों को सुरक्षित रखे। मेरे सब चाहने वाले सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स और जो मुझे नहीं भी पसंद कर रहे हैं फिलहाल, उनका भी माँ ध्यान रखे। मैं माँ से यही मांगूंगा कि विश्व में शांति एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। और कहा क्या बताऊँ मैं, इस साल की पूजा भी ठीक से नहीं गुजर रही है क्योंकि हमारे घर में जो हमारी माँ है, हमारी माता श्री, उनका तबीयत ख़राब है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारी माँ है और इनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली में इनका, हमारे माता जी का प्लेटलेट्स गिर गया था, इनको डेंगू हो गया है दोस्तों। तो इनका प्लेटलेट्स 61,000 काउंट्स में आ गया था और फिलहाल तो ये ठीक हैं लेकिन इनको कमज़ोरी बहुत है, इनको कमज़ोरी बहुत है माता को हमारे, और इनकी दवाई चल रही है। इस बार ये पुष्पांजलि देने नहीं जा पाएंगे, बहुत दुख लग रहा है। हम लोग पंडालों में माँ की पूजा करते हैं, असली माँ की पूजा यहीं पे है दोस्तों। माँ की पूजा अगर आप यहाँ करते हैं तो आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। मैं आशा करता हूँ कि माँ हमारी जल्दी स्वस्थ हो जाए। इनके लिए हम पूजा करने जा रहे हैं, इनको दवाई चल रही है, इनकी इनको बुखार भी था, अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा कष्ट हुआ है और ये हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में भर्ती डॉक्टर ने नहीं लिया, कहा कि दवाई वगैरह दीजिए और ये ठीक हो जाएंगे। तो इनका अभी प्लेटलेट लेवल कल चेक कराए थे पापा हमारे, लेके गए थे हॉस्पिटल, तो 61,000 से 81,000 में आया है। कुछ दवाइयां हैं जो दी जा रही हैं, कुछ घर के घरेलू उपचार भी हैं जो प्लेटलेट्स में काम आते हैं। आप भी हमें बताइए कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका और भी कई सारी दवाएं चलती हैं इनकी, जैसे एक दवाई चलती है इनके खून को पतला करने वाली, थायराइड की तो सुबह चलती ही है और शुगर की भी दवाई चलती है। इसी आधार पे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कोई दवाई अगर ऐसी हो जो कि नेचुरल हो, और जैसे पपीता के बारे में मुझे पता है कि पपीते में काफ़ी गुण होते हैं और वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता भी है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा बताइएगा। और मैं क्या ही कहूँ, माता हमारी स्वस्थ हो जाए, मैं इसीलिए माँ से आशीर्वाद मांगूँगा। माँ के लिए, माँ हमारी इस साल पहली बार है जो पुष्पांजलि देने नहीं जा पा रही है, आज मैं और मेरी धर्मपत्नी जा रहे हैं, वो अभी तैयार हो रही हैं, हम लोग साथ चलेंगे। माता का तबीयत थोड़ा अभी सुधार है, आशा करता हूँ माँ के सौजन्य से, माँ के आशीर्वाद से माँ ठीक हो जाए। असली माँ की पूजा यही है दोस्तों, वो पंडालों में जो है वो मन का धर्म है, हमारा धर्म है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपनी माँ की देखभाल करना।
ये अगर आप नहीं करते हैं या कोई भी नहीं करता है, वो सबसे गलत इंसान है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। हमारी धर्मपत्नी तैयार हो रही है, आए अब दिखाता हूँ। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अमन आयुष, यस, लगे रहिए आप लोग, माता के लिए आप लोग के लिए भी आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग खेलते रहिए। तैयार हो गई हैं, करीब करीब। बहुत सुंदर। आप माता से हमारे लिए भी कुछ आशीर्वाद मांगिएगा, अपनी सासू माँ के लिए भी आशीर्वाद मांगिएगा। दोस्तों, बाकी हम लोग पंडाल में पहुँचेंगे तो वहाँ भी कुछ ब्लॉग कर लेंगे, कुछ वहाँ के भी फुटेज दिखा देंगे आपको। फिलहाल माँ हमारी सो रही है, देखिए। इनके लिए हम तो विशेष प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे लालन पालन किया है मेरा, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ओके माँ, तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगा जाएगा। ठीक है, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आराम करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और पूजा पंडाल के पास पहुंचकर फिर से एक ब्लॉग चालू करते हैं। इसी कड़ी का दूसरा भाग रहेगा। तब तक के लिए जय माता दी, माता आप सबकी रक्षा करें। गाइस, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हम लोग पंडाल के समीप, ये पंडाल है, यहाँ हम लोगों ने पुष्पांजलि देने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे पुष्पांजलि की थाली लगाई हुई है पूजा की, और हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आज आए हुए हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी भीड़ है। और अंदर माता की प्रतिमा है, तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, स्पष्ट तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आपकी भीड़ देखिए, पंडाल में महिलाओं की भीड़ देखिए। हमारी भाग्यश्री भी आगे जा रही है। माता से आप लोगों के लिए आशीर्वाद मांगूंगा, आप सब सभी सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा। व्यवस्थापक और संचालक लगे हुए हैं, आपको आप देख सकते हैं, मैं इधर से जूम करके दिखाता हूँ। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, भक्तों की लंबी लंबी लाइनें हैं। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं माता की। प्रकार से थालियां लगी हुई है, पुष्पांजलि आ जाती है, की जा रही है अष्टमी के दिन। मैंने कहा था कि आप माता की अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा हो रही है। करते हैं।
पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद काफी सारे बच्चे भी आए हुए हैं। और एक तरफ ये रोड है और रोड से हाफ पार्ट में गाड़ी जा रही है, ये रोड है, रोड से हाफ पार्ट में गाड़ी जा रही है और इधर में हाफ पार्ट में पूजा हो रही है। थाली का माता के पास थाली को लोग दिया जाता है, थाली दी जा रही है। ऊपर में देखिएगा, ऊपर में देखिए थाली दी जा रही है, चूल्हे चढ़ाते हैं, प्रसाद तो चढ़ाते ही हैं माता के पूजा के लिए। उनके साथ साथ थाली को वहाँ पे माँ के चरणों में रखा जाता है और फिर तो उसके बाद वो थाली आप साथ में अपने कूपन के साथ में लेकर जाते हैं। ठीक है, पूजा होने देते हैं उसके बाद बात करते। आप सबको सुप्रभात, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी पूजा का माहौल है, विजयादशमी का माहौल है, दुर्गा पूजा का माहौल है। आज माता के स्वरूप अष्टम स्वरूप महागौरी की हम लोग पूजा करते हैं, आज हम लोग पुष्पांजलि देते हैं। तो गाइस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपका साथी राजेश रोशन आपके लिए शॉर्ट्स वीडियोस लाता हूँ, आपके लिए लॉन्ग वीडियोस लाता हूँ, ब्लॉग लाता हूँ, थोड़े कम लाता हूँ ब्लॉग्स पर लाता हूँ। चूँकि ब्लॉग्स नहीं लाने के पीछे कारण ये है कि ब्लॉग के पीछे मेहनत काफ़ी होती है और समय देना पड़ता है, काफ़ी समय देना पड़ता है। समय तो खैर शॉर्ट्स के लिए भी देना पड़ता है और लॉन्ग वीडियोज़ के लिए भी देना पड़ता है, पर लॉन्ग वीडियोज़ के लिए समय काफ़ी देना पड़ता है और उसमें समय मिल नहीं पाता क्योंकि हमारी ड्यूटी भी रहती है। मैं टाटा मोटर्स जमशेदपुर में काम करता हूँ और इसीलिए मैं थोड़े ब्लॉग कम बना पाता हूँ। खैर आशा है माता आप लोगों को अपनी आपकी जो मनोकामना है उससे आपको पूर्ण करेगी, आपके आपको सदैव निरोग रखेगी। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ आज ये ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ। आज हम लोग पुष्पांजलि देने जाएंगे, हम अब मैं और मेरी धर्मपत्नी, और आप भगवान आप लोगों को, माता आप लोगों को सुरक्षित रखे। मेरे सब चाहने वाले सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स और जो मुझे नहीं भी पसंद कर रहे हैं फिलहाल, उनका भी माँ ध्यान रखे। मैं माँ से यही मांगूंगा कि विश्व में शांति एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। और कहा क्या बताऊँ मैं, इस साल की पूजा भी ठीक से नहीं गुजर रही है क्योंकि हमारे घर में जो हमारी माँ है, हमारी माता श्री, उनका तबीयत ख़राब है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारी माँ हैं और इनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली में इनका, हमारी माता जी का प्लेटलेट्स गिर गया था, इनको डेंगू हो गया है दोस्तों। तो इनका प्लेटलेट्स 61,000 काउंट्स में आ गया था और फिलहाल तो ये ठीक हैं लेकिन इनको कमज़ोरी बहुत है, इनको कमज़ोरी बहुत है माता को हमारे, और इनकी दवाई चल रही है। इस बार ये पुष्पांजलि देने नहीं जा पाएंगे, बहुत दुख लग रहा है। हम लोग पंडालों में माँ की पूजा करते हैं, असली माँ की पूजा यहीं पे है दोस्तों। माँ की पूजा अगर आप यहाँ करते हैं तो आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। मैं आशा करता हूँ कि माँ हमारी जल्दी स्वस्थ हो जाए। इनके लिए हम पूजा करने जा रहे हैं, इनको दवाई चल रही है, इनकी इनको बुखार भी था, अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा कष्ट हुआ है और ये हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में भर्ती डॉक्टर ने नहीं लिया, कहा कि दवाई वगैरह दीजिए और ये ठीक हो जाएंगे। तो इनका अभी प्लेटलेट लेवल कल चेक कराए थे पापा हमारे, लेके गए थे हॉस्पिटल, तो 61,000 से 81,000 में आया है।
कुछ दवाइयाँ हैं जो दी जा रही हैं, कुछ घर के घरेलू उपचार भी हैं जो प्लेटलेट्स में काम आते हैं। आप भी हमें बताइए कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका और भी कई सारी दवाएं चलती हैं इनकी, जैसे एक दवाई चलती है इनके खून को पतला करने वाली, थायराइड की तो सुबह चलती ही है, और शुगर की भी दवाई चलती है। इसी आधार पे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कोई दवाई अगर ऐसी हो जो कि नेचुरल हो, और जैसे पपीता के बारे में मुझे पता है कि पपीते में काफ़ी गुण होते हैं और वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता भी है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा बताइएगा। और मैं क्या ही कहूँ, माता हमारी स्वस्थ हो जाए, मैं इसीलिए माँ से आशीर्वाद मांगूँगा। माँ के लिए, माँ हमारी इस साल पहली बार है जो पुष्पांजलि देने नहीं जा पा रही है, आज मैं और मेरी धर्मपत्नी जा रहे हैं, वो अभी तैयार हो रही हैं, वो साथ चलेंगे। माता का तबीयत थोड़ा अभी सुधार है, आशा करता हूँ माँ के सौजन्य से, माँ के आशीर्वाद से माँ ठीक हो जाए। असली माँ की पूजा यही है दोस्तों, वो पंडालों में जो है वो मन का धर्म है, हमारा धर्म है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपनी माँ की देखभाल करना। ये अगर आप नहीं करते हैं या कोई भी नहीं करता है, वो सबसे गलत इंसान है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। हमारी धर्मपत्नी तैयार हो रही है, अब दिखाता हूँ। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अमन आयुष, यस, लगे रहिए आप लोग, माता के लिए आप लोग के लिए भी आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग खेलते रहिए, तैयार हो गई हैं करीब करीब। बहुत सुंदर, आप माता से हमारे लिए भी कुछ आशीर्वाद मांगिएगा, अपनी सासू माँ के लिए भी आशीर्वाद मांगिएगा। दोस्तों बाकी हम लोग पंडाल में पहुँचेंगे तो वहाँ भी कुछ ब्लॉग कर लेंगे, कुछ वहाँ के भी फुटेज दिखा देंगे आपको। फिलहाल माँ हमारी सो रही है, देखिए इनके लिए हम तो विशेष प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे लालन पालन किया है मेरा, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो माँ तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगा जाएगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आराम करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और पूजा पंडाल के पास पहुँच कर फिर से एक ब्लॉग चालू करते हैं। इसी कड़ी का दूसरा भाग रहेगा, तब तक के लिए जय माता दी, माता आप सबकी रक्षा करें।